जो भी हवा मिलती है हमें एक दवाई के तौर पर मिलती है, शुद्ध मतलब एकदम शुद्ध रहता है। तूफान आता तो पेड़ गिरने का भी डर है, बारिश की वजह से तो पहाड़ गिरने का डर भी है, बाढ़ नदी आने लगती है तो फिर उसको कोई नहीं रोक सकती है। पहाड़ों में औरतों का चारा ही जंगल है, मकान के लिए लकड़ी मिलती है हमें वहाँ से, आग जलाने के लिए लकड़ी मिलती है हमें वहाँ से, जानवरों को पालने के लिए घास मिलता है, पत्ती मिलते हैं। जंगल और जल और जमीन, तीन चीज बचाना जरूरी था हमारे लिए। गांव में हमने 30 महिलाओं का जागरूक मंच भी बना रखा था, उसमें हमने सरपंच का भी हमने जागरूक मंच में ही रखा था कि भाई सरपंच के चुनाव होंगे। यहाँ से पूरी टीम आती थी मेरी, औरतों की टीम जाती थी। लकड़ियाँ नहीं काटने देते, पेड़ों को नहीं गिराने देते। 1 लाख पेड़ लगवाए थे हमने हरीले पर यहाँ। जैसे बच्चों को पालते हैं वैसे हमने जंगल को पाल रखा। मेरा नाम कौशल्या बिष्ट है, मैं टाना सुजोली की प्रधान हूँ। पहले से यहाँ लोग डरते थे आने के लिए, ताश खेलते थे, सीप खेलते थे, गाली ग्रॉस करते थे। मैं मंगल दल के अध्यक्ष रही 7 साल तक, वो फिर मैंने यहाँ का जुआ बंदा करवा दिया। फिर हस्बैंड ने भी बोला कि चुनाव लड़के तो देख, तो उड़ तो गई। फिर बाद में हस्बैंड चले गए थे ब्रेन हेमरेज होके, तो उस समय फिर मेरे को एक धक्का सा लग गया। औरतों ने सपोर्ट दिया मेरे को, फिर मेरे पास थोड़ी थोड़ी सी हिम्मत से आने लगी। पहले पहले तो लोगों को लगता था भाई महिला जीत के तो आ गई, पर अब ये कर पाएगी नहीं कर पाएगी, अभी एक तो घर की अकेली थी। बहुत प्रधान है, बहुत वर्ष है, सबसे बढ़िया कौशल जी की मीटिंग से पुआ मल के आया। हाँ तो अल्लाह तो अति बड़ी मीटिंग थोड़ा सोती आ जाए। जब भी कोई चुनाव के लिए वोट मांगने के लिए आएंगे तो उनसे यही कह रहा फूल की मांग पूरी करो तब हम आपको वोट देते, नहीं तो हम कोई वोट देते हम निरस्त कर देते वोट। 80% तक खेती नदी पा रहे हैं, तो यहाँ से नजदीक में पुल हो जाएगी तो उनको खेतों में काम करने की सुविधा मिल जाएगी। मैंने अभी चुनाव में तो ये बात तो मैं रखूंगी, पुल की तो जरूरत ही है। कौशल्या दीदी ने हमें रोजगार काम दिया और ये सोलर लाइट लगाई और मेरी विकलांग मेरी लड़की की शादी थी, उन्होंने आर्थिक सहायता मतलब बताई मतलब समाज कल्याण से। आतल किसने नहीं लगाए, जब तक कौशल्या प्रधान बड़ी तब लगाए थे। ये चले जाता है, ये भाग जाता है, मैं इसके पीछे पीछे दौड़ती हूँ बहुत दूर तक। ये बैठता ही नहीं है रफिंग गोदी में। मैं अकेले हूँ ना घर पे, तो इसके साथ ही खेलती हूँ। प्रधानी का काम बहुत मुश्किल काम है। मैं खुश हूँ कि मम्मी सबके लिए काम करती है। सामने कुछ नहीं कहते, पीछे से तो कहने वाले बहुत ही कहते हैं। 2-4 आदमी थे विपक्ष वाले भी थे, वो देखने के लिए वहाँ पर नहीं आते थे, रास्ते में नहीं आते कि प्रधान ने काम पूरा किया नहीं किया करके, सीधा सूचना मांग लेते थे। कई सूचना का अधिकार लगा दिए मेरे पीछे, काम रुकवा दिया उन्होंने मेरा। औरतें इकट्ठे हो जाते तो एक उत्साह बढ़ जाता है, शरीर में एक ताकत सी आ जाती, भैया मेरे साथ तो है ये, मुझे मतलब हिम्मत सी बढ़ जाती कि भाई हम तुम्हारे साथ हैं। मैंने अपना जो भी काम किया ईमानदारी से किया, डर किस बात की हमें। एस्टीमेट भी निकल गया 3,81,000 का, एक पुल ही नहीं आ रहा, बाकी हाँ मतलब सभी कुछ हो गया। मेरे अंदर का जुनून है कि कोई काम को मैं करती हूँ उसे मैं करके दिखाती हूँ। Thank you.
चाहे मैं हूँ या ना हूँ, प्रधान रहूँ या नहीं रहूँ, मैं चाहती हूँ कि मेरा गांव हमेशा खुशहाली रहे, ये सोचती हूँ, और अच्छा रहे, चाहे लड़के हो चाहे लड़कियाँ हो चाहे बहुएँ हो, वो पढ़ी लिखी आए, वो समाज को समझे, आगे बढ़ने की कोशिश करें।